श्री राम दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे मैं रोहित आप सभी के साथ मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हो गए अगर आपने अभी तक तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए काफी कुछ आप मिस कर देते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने एक जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो लेवल टू लेवल हम इस पर बात करने वाले हैं सबसे पहले देखिए जो हमने पहले लेवल लगाए थे उनको देखिए मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि बाज़ार आगे बढ़ चुका है और इस लेवल को भी मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बाज़ार कंटिन्यू अपने सपोर्ट को देखे इस जगह तोड़ते जा रहा है देखिए सबसे पहले इसका क्या सपोर्ट हुआ करता था ऊपर की शायद जब हमने

आपके जे लेवलों पर बिल्कुल ध्यान दीजिए जैसे कि आपका देखिए पैंतीस हज़ार ठीक है इस लेवल पर ध्यान दीजिए जैसे कि देखिए आपका चौंतीस हजार इस लेवल पर ध्यान दीजिए जैसे कि देखिए आपका तैंतीस हजार इस लेवल पर ध्यान दीजिए जैसे कि ऊपर की साइड देखिए छत्तीस हज़ार इस लेवल पर ध्यान दीजिए जे ऐसे लेवल हैं अगर ये टूटते हैं तो बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है और अगर जो ऊपर की साइड टूटते हैं तो बड़ी तेजी भी देखने को मिलती है अब देखिए बाजार में हुआ क्या बाजार में अगर आप देखोगे तो जी लगातार छत्तीस हज़ार अटका हुआ है कितने महीनों से अटका हुआ है आप मुझे कमेंट में बताइए तीन महीने से देखिए कंटिन्यू इस लेवल पर अटका हुआ है छत्तीस और छत्तीस के लेवल को जो पार नहीं कर पा रहा है अब वहाँ से अगर आप देखोगे तो देखिए छत्तीस हज़ार से देखिए जी गिरते गिरते नीचे की साइट आ चुका है चौंतीस हज़ार पे यानी अगर मैं बात करूँ इस जगह और देखिए जैसे ही ये पैंतीस हज़ार का लेवल टूटते हुए दिखाई दिया मैंने आपको देखिए एक जगह पुट बाइंग करने के लिए दिया था क्या बाइंग करने के लिए दिया था पुट बाइंग करने के लिए दिया था क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पता चल चुका था हमने लेवल देख के काम किया है क्या देख के काम किया लेवल देख के काम किया और बाजार में अगर आप उस पॉइंट से अगर आप देखोगे ना ऊपर के पॉइंट से तो यहाँ पे देखिए मार्केट आपका देखिए यहाँ पे तीन सौ से लेके देखिए पाँच सौ पॉइंट आपका नीचे जा के बंद हुआ और जो मैंने कॉल दिया था उस कॉल का प्राइस भी आपको डबल होते हुए दिखाई दिया अब बाज़ार में देखिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब बाज़ार में क्या किया जाए क्योंकि बाजार इतना नीचे आ चुका है अब जहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें हम और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए काफ़ी बढ़िया कॉल आप सभी को दिए जाते हैं अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए एंजल जरूदा अप स्टॉक इस्टॉक्यू में और बेनिफिट उठाइए हमारे ऑनलाइन क्लास का और प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होने का कि बाज़ार में तेज़ी किस दिन से आई थी 9 तारीख से देखिए तेज़ी आई थी और 9 तारीख को इसका जो प्राइस था वो पैंतीस हज़ार के समथिंग था कितना था पैंतीस हजार के समथिंग था नौ तारीख को इसने हाई बनाया किस तारीख को यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा पंद्रह से लेकर कर सोलह तारीख को इसने हाई बनाया यानी जब नौ हज़ार से पंद्रह सोलह तक देखिए इसने हाई लगाया इसमें देखिए इसने छ से लेके सात दिन का देखिए टाइम फ्रेम लिया कितना टाइम फ्रेम लिया छः से सात दिन का लेकिन जैसे इसने देखे ऊपर की साइड देखे छत्तीस हज़ार का हाई मारा कितने का मारा हाई छत्तीस हज़ार का हाई मारा वो छत्तीस हजार के हाई मारने के बाद अगर मैं बात करूँ नीचे का जो इसने लो मारा है आज के दिन आज के दिन की लो की बात मैं बात करूँगा इस जगह आज के दिन की देखिए इसने लो की बात करूँ चौंतीस हजार चार सौ पंद्रह का इसने लो मारा है लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए जो इसका लो दिखाई दिया वो कितने दिनों में दिखाई दिया ओनली दो दिन के अंदर दो दिन के अंदर देखिए कितना पॉइंट नीचे आ गया आपका दो दिन के अंदर ये आपका देखिए यहाँ पे दो हज़ार पॉइंट आपका नीचे आ गया यानी अगर मैं बात कहूँ जो आपका देखिए बाज़ार आपका छः से सात दिन ऊपर गया था वो आपका दो दिन के अंदर नीचे की चाट काम करते हुए दिखाई दिया और बाज़ार में देखिए अभी भी मैं कहता हूँ कि इस जगह से भी और गिरावट आ सकती है क्योंकि देखिए जब तक देखिए बाज़ार आपका पैंतीस पे था कहीं ना कहीं लगता था कि एक बाउंस बैक आ सकता है लेकिन अगर आप देखोगे तो बाज़ार और नीचे आ चुका है इस कंडीशन में देखिए अब मार्केट में जो नीचे की रिक्स आपको देखने को मिलती है वो कितने पॉइंटों की दिखाई दे रही है नीचे की रिक्स आपको नीचे की रिक्स दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको 200 पॉइंटों की कितने पॉइंटों की 200 पॉइंट की यानी देखिए यहाँ पे आपको चौंतीस हजार दो सौ के आसपास की आपको रिक्स दिखाई देती है अभी जो क्लोजिंग है वो आपका चौतीस हजार चार सौ पे यहाँ पे क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है चौंतीस हजार चार सौ पंद्रह की आपको क्लोजिंग दिखाई दे रही है दो सौ पॉइंट की रिक्स है यानी अगर मैं बात करूँ बजाज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखना चाहूंगा सपोर्ट हुए दिखाई दे रहा है और अगर ऊपर की ऊपर की की अगर बात करोगे तो ऊपर कितना मार्केट नीचे गिरा है यहां पे आपको 2000 पॉइंट यानी अगर मैं बात करूं तो अभी भी इसमें ऊपर की साइड जो आपको तेजी देखने को मिल सकती है वो 1800 पॉइंट की देखने को मिल सकती है 1800 पॉइंटों की देखिए तेजी देखने को मिल सकती है अब वो किस कंडीशन में देखने को मिलेगी वो अपन बात कहते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके गैप बने देखिए ये वाले आपका गैप दिखाई दे रहा है एक गैप जे वाला बना है जब गैप अगर आप देखोगे जे गैप आपको दिखाई दे रहा है दूसरा गैप आज ही के दिन बना है आज के दिन अगर आप इसमें देखोगे तो दूसरा गैप आपका ये है पहले गैप की रेंज अगर आप देखोगे तो पहले गैप की रेंज थी इसमें देखिए पैंतीस हज़ार सात सौ से लेके नीचे की साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए पैंतीस हजार पैंतीस हजार तीन सौ के लगभग की यहाँ पे रेंज आपको दिखाई दे रही थी यानी चार सौ पॉइंट की देखिए यहाँ पे आपका जो गैप की रेंज थी तो आज की गैप की रेंज की बात करूं तो आज के गैप की रेंज इसमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे देखिए 200 पॉइंट की यानी अगर मैं बात करूँ पहले का 400 पॉइंट और 200 पॉइंट आपको यहाँ पे 600 पॉइंट यानी देखिए बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की तो तेज़ी आपकी इस जगह देखने को मिल सकती है अगर बाजार में 600 पॉइंट की तेजी आती है करेंट प्राइस से तो आप मान के चलिए कि इस जगह से भी यानी आपकी जो करेंट प्राइस है उस जगह से भी देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए पैंतीस तक जा सकता है यानी अगर मैं बात करूँ पैंतीस हजार तक देखिए बिल्कुल जा सकता है अब यहाँ पे देखिए कंडीशन बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको कैसे काम करना चाहिए देखिए पहली कंडीशन तो आपकी देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा पहली कंडीशन जो बाजार के अंदर रहेगी देखिए बाजार अगर इस जगह देखिए 200 पॉइंट आपका माइनस में खुलता है यानी देखिए अगर मैं बात कहूँ चौंतीस हजार दो के आसपास देखिए बाजार खुलता है तो वहाँ पे आप सीई बाइंग कर सकते हो ठीक है पहली कंडीशन में दूसरी कंडीशन में आपका होगा यानी 200 पॉइंट आपका बाजार ऊपर की साइड खुलना चाहिए ऊपर की साइड मतलब चौंतीस के लगभग अभी जो करेंट प्राइस आपको दिखाई दे रही है वो करंट प्राइस कितने की यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है देखिए चौंतीस हजार चार सौ का यानी देखिए कुल मिला के दो चीजें आपको समझना है दो सौ पॉइंट नीचे खुलना चाहिए या दो सौ पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए ऊपर खुलेगा तो देखिए ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे आपको तेजी का मूवमेंट दिखाई दे रहा है यानी आपको ऊपर खुलते ही आपको दो सौ पॉइंट की अच्छी तेजी दिखाई देगी यानी फिर नीचे जो सपोर्ट पर खुलना चाहिए क्योंकि ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर है जहाँ पे आपको दिखाई देगा चौतीस छह सौ का रजिस्टर है इस रजिस्टर के ऊपर खुल जाएगा बाजार तो एक बढ़िया तेजी खुलेगी यानी फिर अगर नीचे खुलेगा तो यहाँ पर सपोर्ट है जे है, जे सपोर्ट है जे क्या है नीचे वाला रजिस्ट्रेन है ऊपर वाला क्या है सपोर्ट है अगर रजिस्ट्रेन के ऊपर खुलता है तो भी तेजी है या फिर सपोर्ट पे तो भी तेजी है यानी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा या तो हमको एक थोड़ा महंगा मिल जाए या सेफ्टी के साथ मिल जाए या सस्ता मिल जाए या सपोर्ट के साथ मिल जाए सपोर्ट के साथ मिलेगा तो नीचे मिलेगा और सेफ्टी के साथ मिलेगा तो चौंतीस छः सौ के ऊपर मिलेगा ठीक है इन दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे सी ई बाइंग करेंगे ठीक है इस इस जगह सुन लीजिए अब देखिए एक जगह देखिए जो चौंतीस चार सौ इसके ऊपर खुलना चाहिए मैंने क्या बोला ऊपर खुलना चाहिए देखिए जो आपकी कैंडल है जी कैंडल है जो कैंडल के ऊपर खुलना चाहिए जो आपकी क्लोजिंग है और जो ओपनिंग है जो ओपनिंग मैंने क्या बोला चौंतीस छः सौ के ऊपर खुलना चाहिए ठीक है जी मैंने आपसे बोला है और जे वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन भी मैं इस जगह समझा देता हूँ जो आपकी दूसरी कंडीशन है दूसरी कंडीशन में क्या है जी आपकी देखिए क्लोजिंग है जो ओपनिंग है जो ओपनिंग में देखिए आपका बाजार इस जगह चौंतीस के पास खुलना चाहिए तो इस जगह भी आप सी ई -E बाइंग कर सकते हो इस जगह भी आप सी ई -E बाइंग कर सकते हो दोनों सी ई -E बाइंग करने में जो आपके टारगेट होंगे इस जगह भी दो पॉइंटों के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इस जगह भी दो पॉइंटों के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे कि अभी मैंने आपसे एक बात भी बोली थी अब मैंने वन अवर्स का चार्ट ओपन किया है ठीक है कि बाजार में आपको दो कंडीशन में बाइंग करना है एक तो देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक तो छत्तीस हज़ार के ऊपर बाइंग करना है जो आपका टारगेट होगा छत्तीस हज़ार आठ सौ तक होगा या फिर आपको देखिए इस जगह दो सौ पर बाइंग करना है जी आपका देखिए चौंतीस हज़ार दो सौ ठीक है चौंतीस हज़ार दो सौ पे या फिर चौंतीस हज़ार छः सौ पे जी आपकी दो कंडीशन में जहाँ पर इसके ऊपर जाएगा तो हम सी बाइंग करेंगे या इसके आसपास मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे अब यहाँ पे देखिए आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब बाजार देखिए अलग मोमेंट में आ चुका है यहाँ पे देखिए अगर आप बाजार देखोगे तो अभी तक क्या होता था बाजार इस मोमेंट में देखिए कहीं ना कहीं रुक जाता था देखिए आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं रुकता था देखिए लेकिन अभी आप देखोगे तो बाज़ार इस वाले मोमेंट में आ चुका है जे वाला अगर आप देखोगे जो आपका देखिए यहाँ पे 21 तारीख को जो हुआ था जहाँ पे देखिए 21 तारीख के नीचे क्लोजिंग दी थी और क्लोजिंग देने के बाद जो कम से कम देखिए यहाँ पे चौंतीस हजार के आसपास पास गया था चौंतीस हजार के आसपास तो बिल्कुल चौंतीस हज़ार के आसपास आ सकता है इसकी संभावना है क्योंकि इसके नीचे जब क्लोजिंग दी है चौंतीस हज़ार चौंतीस हज़ार दो सौ जो वो रेंज है जिसपे आप बाइंग करने की सोच सकते हो क्योंकि इसके आसपास अगर आपको बाज़ार मिलेगा तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कैंडल है और चौंतीस हज़ार के आसपास की देखिए आपको तो यहाँ पे शेडो दिखाई देगी तो इसके आसपास आपको बाइंग करने की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको इस जगह चौंतीस के ऊपर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो देखिए मैं बात करूँ थोड़ा लंबे समय की तो लंबे समय में अभी भी मार्केट मेरे लिए बैरिस नहीं है मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी देखिए यहाँ पे साइडवेस है जब तक ये देखिए चौंतीस हजार के ऊपर है यानी इस जगह बात करूँ चौंतीस हजार दो सौ चौंतीस हजार दो सौ पचास अभी भी देखिए बाजार इसके ऊपर है जब तक मेरे लिए देखिए मार्केट साइड विच है अब यहाँ पे देखिए आपकी 2000 हज़ार पॉइंटों की देखिए रेंज आपको दिखाई देगी यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो चौंतीस हज़ार ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छत्तीस हज़ार तो यहाँ पे देखिए ये रेंज आपको दिखाई देगी ऊपर की साइड छत्तीस हज़ार की और नीचे की साइड देखिए चौंतीस हज़ार की तो अभी भी मार्केट मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत गिरावट आ चुकी है मार्केट आप जहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा अभी भी मार्केट देखिए अगर आप पैटर्न देखोगे तो ये पैटर्न देखिए बनते हुए दिखाई दे रहा है देखिए पैटर्न में देखिए पैटर्न आप देखिए तो पैटर्न ये तेजी का था जहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिली और गिरावट नीचे आ गई गिरावट आपको देखने को मिली उतनी गिरावट हो चुकी है अब जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी वो चौंतीस हजार के नीचे ही देखने को मिलेगी अगर ये चौंतीस हजार के नीचे जाता है तो फिर आपको सावधान हो जाना है क्योंकि फिर इसमें आपको हजार पॉइंटों की और गिरावट देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं तैतीस के आसपास जा सकता है तो लेवल देख के काम कीजिए मार्केट के हिसाब से काम कीजिए जैसा मार्केट आपको दिखाई दे रहा उस हिसाब से काम कीजिए क्योंकि अब जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये सपोर्ट दिखाई दे रहा इस सपोर्ट को तोड़ेगा जब भी हम इस जगह पी में बाइंग करेंगे वरना मार्केट में जितनी गिरावट आ चुकी है उस गिरावट की हम वेनिफिट उठाएंगे और सी बाइंग करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद बंद माता